दो प्रॉपर्टी चाहिए आपको मीडियम के, मीडियम में मैकेनिकल वेव बनने के लिए। पहली प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स में सफिशिएंट इनर्शिया होना चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी इलास्टिक नेचर होना चाहिए। इसमें से इलास्टिक नेचर मीडियम का इलास्टिक नेचर डिसाइड करता है स्पीड ऑफ वेव, कि वेव मीडियम में कितनी स्पीड से आगे बढ़ेगी, ये डिसाइड होता है किससे, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम से, इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम से, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम से डिसाइड होता है। और कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था कि स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू ई बाय रो। इसका डेरिवेशन हमारे स्कोप से बाहर है, अभी हम फिलहाल इसको ड्राइव नहीं करेंगे। V equals E by rho. E is the elasticity and rho is the density of medium. तो जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, और जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी मीडियम की उतना ही ज्यादा स्पीड होती चली जाएगी। ठीक है, तीन स्टेट है हमारे पास मीडियम की, मटेरियल की तीन स्टेट है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तीन है, इनमें से सॉलिड्स की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है, गैस की इलास्टिसिटी सबसे कम है। पानी है, पानी की इलास्टिसिटी एक बार मेजर करो आप वेपर स्टेट में, इसे पूरी तरह वेपर बनाकर, अगली बार इसकी इलास्टिसिटी मेजर कीजिए लिक्विड स्टेट में, तीसरी बार फिर मेजर कीजिए सॉलिड स्टेट में, सॉलिड में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी आती है। और यही रीजन है कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे तेज होती है, गैसेस में साउंड की स्पीड सबसे कम है। गैस में, एयर में, हमारे चारों तरफ जो एयर है इसमें साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली एट जीरो सेल्सियस, टेम्परेचर पर वेरी करती है, जीरो डिग्री सेल्सियस पर लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में, यहां मेरे बोलने के बाद एक सेकेंड में मेरी आवाज 330 मीटर दूर चली जाएगी, तीन सेकेंड में एक किलोमीटर दूर चली जाएगी। लेकिन इसी साउंड की स्पीड आयरन में, स्टील में 2000 मीटर पर सेकंड से भी ज्यादा है, एक सेकंड में 2000 मीटर दूर चली जाएगी। अगर ये साउंड, इस साउंड को चलने के लिए मीडियम मिल जाए, किसका, सॉलिड मीडियम मिल जाए, स्टील मीडियम मिल जाए, आप सबकी लाइफ में तो कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा होगा कि ट्रेन का इंतजार करना पड़े आपको, पड़ा है एकाध बार, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ट्रेन का अगर वेट कर भी रहे हैं तो आपको स्टेशन पर अनाउंस होता रहता है कि शताब्दी एक्सप्रेस समय से 4 घंटे लेट चल रही है, यह जो बोर्ड है उनका, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे हुए हैं उसमें टाइम आता रहता है कि अभी कितने मिनट बाद, कितने घंटे बाद ये पहुंचेगी शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन अगर बाय द वे आप किसी ऐसे छोटे से स्टेशन पर हैं जहां अनाउंसमेंट भी नहीं हो रहा, जहां कोई बोर्ड भी डिस्प्ले नहीं है टाइम का, तो लोग क्या करते थे कि बार बार जो रेल की पटरियां है ना, जो रेल्स बिछी हुई है पटरियां, पटरी पर कान लगा के सुनते रहते हैं, पटरी पर कान लगाया, अबे नहीं अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, क्योंकि लोहे की पटरियां वाइब्रेट करने लगती है, जब चलती है तो वाइब्रेट करती है, और जब ट्रेन इतनी दूर होगी कि ट्रेन दिखाई भी नहीं दे रही, जब ट्रेन इतनी दूर है कि वो दिखाई भी नहीं दे रही, पटरियां दूर तक खाली दिखाई दे रही है, अगर वो दिखाई नहीं दे रही और आने वाली है तो पटरी में आवाज सुनाई दे जाएगी।
क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत फास्ट है सॉलिड स्टेट। स्टील में या लोहे में साउंड की स्पीड बहुत तेज होती है। न्यूटन ने ये फॉर्मूला बनाया वी इक्वल्स स्क्वायर रूट ई बाय रो। ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सीधी सीधी बात है, जिस मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, दोनों बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन एयर की डेंसिटी कम है, कम डेंसिटी होने से स्पीड बढ़ी लेकिन उसकी इलास्टिसिटी तो बहुत ही कम है। स्टील है उसकी डेंसिटी बढ़ी, बहुत ज्यादा डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में, तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन इलास्टिसिटी हजारों लाखों गुना ज्यादा बढ़ गई। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, इंक्रीज होने का फैक्टर, डिक्रीज भी हुई, एक फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फैक्टर इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने वाला फैक्टर तो कम डिक्रीज कर पा रहा है, लेकिन इंक्रीज करने वाला फैक्टर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या बना, इंक्रीज हो गया। ठीक है, क्या लिखा अभी हमने, ये क्या लिखा था, इलास्टिक नेचर। नेक्स्ट लिखते हैं द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम depend on its elasticity. Larger is the speed of wave in it. Larger the speed of wave in it. Larger the elasticity, larger is the speed of wave in it. Larger the speed of wave in it. मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ और बोल गया क्या? Since the elasticity of solid is maximum, therefore the speed of mechanical waves is maximum in solid medium. Okay.